Bismillahir Rahmanir Raheem. As students. I'm your teacher Ms. Farha Jameel. I hope you all are fine. Now students, it's time to go for studies. So take out your social studies book and open the page number 39. Students, as you know that we have complete our second term's labors. So today we will revise unit 10, the village. So students, I will read this chapter for you. Have you... Ever seen a village? क्या आपने कभी गाँव देखा है What do you think a village looks like? और village कैसा दिखता है Let's read the following lines and understand. अब हम इन lines को पढ़ते हैं और understand करने की कोशिश करते हैं Students हम ये chapter पहले भी पढ़ चुके हैं इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि village कैसा दिखता है और village में लोग जिंदगी किस तरह से गुजारते हैं पीपल आर वर्किंग इन द फील्ड्स विलेज में जो लोग होते हैं वो फील्ड्स में वर्क करते हैं ये देखें अपनी खेतों में काम करते हैं दे आर ग्रोइंग क्रॉप्स वो फसलों को उगाते हैं सम चिल्ड्रन हैव गॉन टू द्कूल इट इज़ फार अवे कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं देखें बच्चों साइकिल्स पर जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत दूर होता है स्कूल करीब करीब स्कूल नहीं होते बहुत दूर होते हैं घरों से स्कूल देर आर कैटल्स उनके पास जानवर भी होते हैं मवेशी होते हैं जिनको वो खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं सम ऑफ देम आर यूज टू हेल्प इन फील्ड्स कुछ उनमें फील्ड्स में काम आते हैं यानी कि खेती बाड़ी में काम आते हैं अदर्स आर कीप्ड फॉर मिल्क एंड मीट और कुछ जानवर वो दूध और गोश्त के लिए रखते हैं यानी उनका दूध पीते हैं और उनसे गोश्त हासिल करते हैं गोश्त खाते हैं सम क्रॉप्स आर सॉन इन विंटर दे आर रैप्ड इन समर और बच्चों कुछ फसलें जो बोई जाती हैं वो सर्दियों में बोई जाती हैं और उनकी कटाई कब होती है गर्मियों में होती है अदर क्रॉप्स आर सॉन इन समर और कुछ फसलें जो होती हैं वो उगाई जाती हैं गर्मियों में दे आर रैप्ड इन विंटर और फिर उन्हें सर्दियों में उनकी कटाई होती है क्रॉप्स include wheat rice pulses mustard cotton and many other items crops unme kon kon si faslein shamil hain wheat gandum rice chawal pulses daale mustard sarso cotton rui and many others items vo jo aap picture mein dekh sakte hain pakistan's major crops are cotton rice and sugarcane पाकिस्तान की जो मेजर क्रॉप्स हैं अहम फसलें कौन कौन सी हैं? कॉटन है राइस है, है और शुगर केन यानी गन्ना है और शुगर केन से हमें चीनी भी मिलती है तो ये पाकिस्तान की अहम फसलें हैं देयर आर वेरी फ्यू हाउसेस बच्चों गांव में बहुत कम घर होते हैं दिस इज विलेज बच्चों ये आप पिक्चर में देख सकते हैं ये एक है और इसमें देखिए कहीं दूर दूर तक थोड़े थोड़े घर हैं र वाई आर दी विलेज इम्पॉर्टेंट तो बच्चों अब आपने ये सोचना है कि विजेज इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं और आप इसको सोचें और मैं आप से इसके बारे में पूछूंगी कि विलेज इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है विजिस से और अगर विलेज ना होते तो फिर क्या होता तो इसके बारे में आपने सोचना है तो कल हम दी विलेज चैप्टर यानी यूनिट टेन की एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे आपने इस यूनिट को अच्छी तरह से रीड आउट करना है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज